हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चार शॉट पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है, DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे दोस्तों रिसर्च एसोसिएट फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। सैलरी अच्छी दे रहे 75,000 के अप्रॉक्स। डायरेक्ट सेलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। वीडियो को लास्ट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट है NCCS रिसर्च एसोसिएट। 8 पोस्ट है यहाँ पे, 75,000 महीना आपको मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो रिक्रूटमेंट जो है आपकी इंटरव्यू बेसिस पे होगी। आपका जो है डिग्री है बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन IT कंप्यूटर साइंस विथ मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स 60% मार्क के साथ आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, साफ साफ बोला गया है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका 17 जून से पहले रिजल्ट आ जाता है। 2 साल के लिए और 1 साल एक्सटेंडेबल है। यहाँ पे 75,000 महीना आपको मिलेगा प्लस 7500 इंक्रीमेंट होगी पर ईयर। लास्ट डेट जो है आपकी 17 जून जो है यहाँ पे बताई गई है। तो सारे डिटेल मैं आपको दूंगा, ध्यान से देखते रहिए। तो NCCS जो है करंटली वर्किंग है डोमेन्स ऑफ टेलीकॉम IT। आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर गेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट में, तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलने वाली होगी। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है यहाँ पे रहने वाले BE BTEC और अगर OBC SST कैंडिडेट तो आपको छूट भी यहाँ पे मिलेगी। सिलेक्शन जो है आपका हेड ऑफ NCCS में होने वाला, डायरेक्ट NCCS आपको पोजीशन कॉल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा मेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू। ट्रेनिंग होगा 1 से 2 हफ्ते का आपका। 4G 5G नेटवर्क के वर्क रिसेप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ATP IEEE IEC काफ़ी कुछ सीखने का आपको साइबर सिक्योरिटी मिलने वाला है। तो अच्छा रहने वाला, आप इंटरेस्टेड जरूर जाइएगा। आपका जो है जॉब लोकेशन बेंगलुरु रहने वाला है, NCCS सिटी टेलीफोन एक्सचेंज। ठीक है, रिनोमिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, RSLB एग्जीक्यूटिव बॉर्ड ऑफ। इसके अलावा लीव मिलेगा आपको, TA DA सेकेंड आप फेयर करते हैं तो सेकेंड 2 tier AC का आपको मिलने वाला है। होटल अकोमोडेशन गेस्ट चार्ज सारा डिटेल इसमें दिया गया है। आपको पर डे का जो है 800 रुपये खाने का मिलेगा, इस तरह से आपको मिलने वाला है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 2 साल है, 2 साल का ही है यहाँ पे। जनरल कंडीशन ध्यान से फॉर्म भरिए, गलती मत करिएगा। सारे डिटेल मैंने आपको लपसों बता दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड जरूर अप्लाई करिएगा। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, डिसएंगेजमेंट अगर कुछ गलती पाई जाती है तो आपको हटा दिया जाएगा। सर्विस रिव्यू है आपका, देखा जाए पावर ऑफ रिमूव, मतलब सारे डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। फॉर्म कुछ इस तरह से है, एप्लीकेशन शुड ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म भर के, आपको फॉर्म भर के वैलिडिटी स्कोर और आपका सारे इंटर्नशिप किया वगैरह है तो आपको लिस्ट आप क्या क्या लगाना है सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। 10वीं 12वीं मार्कशीट गेट स्कोर अवेलेबल है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है सैलरी स्लिप के साथ लगा दीजिएगा। सिलेक्शन आपने देखिए दे दिया है कि कैसे होगा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन का 40% मतलब मार्क्स लिया जाएगा। ठीक है, PhD है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री है उसका, इस तरह से आपका सारा जो है यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लिंक मैं दे दूंगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा, ध्यान से गलती मत करिएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस इस तरह से तैयार किया जाएगा आपकी रेटिंग के हिसाब से, सारा इसमें जो है एक तरह से विधिवत डिटेल दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो शॉप करते हैं, जय हिंद जय भारत।